हेलो दोस्तों, वेलकम फ्री सर्किट लैब में आपको स्वागत करता हूँ। दोस्तों, 2 साल पहले मैंने ये जो क्लॉक का प्रोजेक्ट किया था, इस प्रोजेक्ट में कुछ इम्प्रूवमेंट्स बाकी था, जैसे कि इसको हमेशा के लिए ऑन रखना, ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, और इसके साथ एक बैटरी लगाना ताकि जब लाइव पावर कट जाए तो भी इसमें टाइम की गिनती चलता रहे। तो ये दोनों इम्प्रूवमेंट हम इसमें करेंगे इस वीडियो में, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इस क्लॉक को बनाया था एक हाथ घड़ी से, जो एलईडी क्लॉक्स हम यूज करते हैं, इसका सर्किट को यूज करते हुए मैंने इसको बनाया। ओके, तो ये देखिए उसका सर्किट यहाँ पर लगा हुआ है, ये जो है एलईडी क्लॉक का सर्किट। ओके, और बाकी जो एलईडीज हम इसी में लगाया, जो ये जो सेल्स है, इस सेल्स के अंदर एक एक एलईडी लगा हुआ है, एक एक सेल के अंदर, और इन सब का कनेक्शन यहाँ पर किया हुआ है। इसका वीडियो मैंने आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जो पार्ट 1 था, अगर आप नहीं देखे तो देख लेना इसके बाद। ओके, तो फ्रेंड्स ये देखिए इस घड़ी में 12:01 हुआ है अभी। ओके, अब इसका पावर काट करेंगे और देखेंगे इसका टाइम लॉस होता है या नहीं। ओके, 12:01 है और पावर काट कर दिया। ओके, ये बंद हो गया, अब दोबारा से ये जलेगा नहीं। ओके, अब दोस्तों ये पावर इस बैटरी से जा रहा है, ये इसकी घड़ी के अंदर टाइम की गिनती को चला रहा है। ओके, और वापस से मैं जब पावर दूंगा तब ये देखिए इसका जो टाइम है वो रिस्टोर हो जाएगा। थोड़ा सा देर में ये ऑन होता है, इस सर्किट के थ्रू ऑन होता है। ओके, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। ओके, तो ये देखिए ऑन हो गया, अब इसका टाइम की गिनती चलता रहा। ओके, अब ये थोड़ी देर में 2 हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों इस सर्किट को मैंने कैसे बनाया, इस सर्किट में मैंने कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए जिसके चलते ये हर 6 या 7 सेकंड में इस स्विच का कनेक्शन को एक बार शॉर्ट करता है, तभी ये लाइट जो है, मतलब ये घड़ी जो है, ये एक एक बार ऑन होता है हर बार ऑफ होने के बाद। ओके, अब दोस्तों ये इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। ये देखिए 2 बज रहा है, अब इसको काट कर देते हैं, फिर से पावर देते हैं। ओके, रुकते हैं थोड़ा सा, इसको ऑन होने देते हैं। ओके, ऑन हुआ और ये देखिए 12:02 बज रहा है। ओके, अब इसका पावर केबल को मैं खोल के रखता हूँ, अब देखते हैं इसका टाइम रहता है या नहीं, तो तब तक मैं डायग्राम को दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए इसका डायग्राम है ये। ओके, तो इसमें क्या क्या लगा हुआ है, तो मेन कंपोनेंट्स जो है इसमें एक TL431 रेगुलेटर चिप लगा हुआ है। ओके, एक 555 IC है और एक ट्रांजिस्टर है BD136। ओके, और कुछ रेजिस्टर और 3 डायोड यहाँ पर है, और ये है 1.5 वोल्ट का जो सेल है, ये वाला सेल। ओके, और इसका जो पूरा सर्किट है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ओके, तो ये जो डायग्राम का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, HD फोटो का लिंक। ओके, तो एक बार और आपको टेस्टिंग दिखा देता हूँ, उसके बाद हम डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। पावर लगा दिया, और ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है ये अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है उसको चेक कर लेना। ओके, तो ये देखिए इसका टाइम लॉस नहीं हुआ है। ओके, अब दोस्तों देखते हैं इसका सर्किट में क्या है एक्चुअली। ओके, तो फ्रेंड्स इसका सर्किट देखिए, यहाँ पर जो IC है ये 555 IC है। ओके, इसके ऊपर ग्लू लगा हुआ है किसी कारण से, और ये जो पॉट मैंने लगाया था ये एडजस्टमेंट के लिए लगाया था, लेकिन बाद में पता चला कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, फिक्स रजिस्टर दोनों कनेक्ट कर देने से हो जाता है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ड्रॉ कर दिया। ओके, और ये जो छोटा ट्रांजिस्टर जैसा दिख रहा है ये TL431, यहाँ पर मैंने लगा हुआ है KA431AZ। ओके, तो ये जो है रेगुलेटर के काम करता है, मतलब इसमें आप जो 5 वोल्ट की इनपुट दे रहे हैं उसको ये 3.5 वोल्ट में रेगुलेट कर रहा है। ओके, उसके बाद बाकी 0.5 वोल्ट इस डायोड में ड्रॉप हो रहा है, उसके बाद ये पावर जा रहा है इस बोर्ड में। ओके, तो दोस्तों देखते हैं इस सर्किट में और क्या क्या लगा हुआ है। तो ये जो ट्रांजिस्टर दिख रहा है ये है BD136 नंबर के ट्रांजिस्टर। ओके, और ये जो कैपेसिटर है ये 47 μF 25 वोल्ट की। ओके, और कुछ है नहीं इस सर्किट में, और इसके साथ एक बैटरी लगा हुआ है ये टाइम कीपिंग के लिए। ओके, अब दोस्तों इसको हम हटाते हैं साइड में और हम डायग्राम को देखते हैं। तो ये है इसका डायग्राम, अब काम कैसे करता है डायग्राम वो बताता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं ये सर्किट कैसे काम करता है। दोस्तों इस सर्किट में हम इनपुट में दे रहे हैं 5 वोल्ट, USB से आ रहा है। ओके, तो ये 5 वोल्ट दे रहे हैं, यहाँ पे आउट होना चाहिए 3 वोल्ट, क्योंकि ये घड़ी 3 वोल्ट में चलता है। ओके, इसके लिए हमें एक वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट चाहिए, इसके लिए हमने यूज किया TL431 वोल्टेज रेगुलेटर। ओके, ये ट्रांजिस्टर BC541 जैसा दिखता है, लेकिन एक्चुअल में ये एक IC है। ओके, तो इस IC के एक फीचर ये है कि ये इस जो पिन है पिन वन इसमें 2.5 वोल्ट ये डिमांड करती है। ओके, 2.5 वोल्ट के ऊपर अगर चला गया
तो ये इन दोनों पिन को शॉर्ट कर देता है, 3 और 2 को। ओके, शॉर्ट ऐसे करता है कि इसके बीच 2.5 वोल्ट के डिफरेंस रह जाता है, फुल शॉर्ट नहीं कर पाता है। जो भी है हमें इसको देखना नहीं है। तो ये हम सोचेंगे कि ये दोनों शॉर्ट हो गया। ओके, तो 2.5 वोल्ट के नीचे अगर इसका वोल्टेज है इस पिन का एक नंबर की, तो ये इस शॉर्ट को हटा देता है। ओके, तो इस तरह से ये वोल्टेज रेगुलेशन कैसे करती है दिखाते हैं आपको। तो मानिए कि यहाँ पे 5 वोल्ट आया, पहली बार आपने पावर दिया तो 5 वोल्ट यहाँ पे आ गया। ओके, और ये 5 वोल्ट जब आया तो ये यहाँ पे एक वोल्टेज डिवाइडर ऐसा बना हुआ है जो कि इसको 2.6:1 में डिवाइड करता है वोल्टेज को। ओके, तो 5 वोल्ट इसमें अगर आ गया तो ये 2.5 वोल्ट के ऊपर चला जाता है इस पिन का वोल्टेज। ओके, तभी ये क्या करता है, इन दोनों पिन को शॉर्ट कर देता है। और इन दोनों शॉर्ट होने के बाद ये जो रजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट हुआ है इसके थ्रू थोड़ा सा करंट आता है और इस पिन का वोल्टेज 2.5 वोल्ट में डाउन हो जाता है। तब ये 2.5 वोल्ट यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 वोल्ट था तब यहाँ पे 2.5 से थोड़ा सा ऊपर था, तो यहाँ पे 2.5 हो गया, तो यहाँ पे और कम हो जाएगा। तो इस पिन में और कम वोल्टेज आ गया, मतलब ये शॉर्ट को हटा देगा। तो शॉर्ट को हटा दिया, फिर से इस पिन का वोल्टेज राइज हो गया 5 वोल्ट तक। तो इस तरह से पिन, इस पिन की वोल्टेज मतलब इस तार की वोल्टेज 5 वोल्ट और 2.5 इस दोनों के बीच स्विच होता रहता है। ओके, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी से इसी तरह से ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है, मतलब 2.5 से ऊपर इस पिन में गया तो ये शॉर्ट कर देगा। इस तरह से ये रेगुलेशन होती है। तो इस रेगुलेशन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमें कम करना है, क्योंकि वो अगर उतना हाई फ्रीक्वेंसी में 5 वोल्ट और 2.5 के बीच स्विच होता है तब दूसरा कंपोनेंट को खतरा हो सकती है उस फ्रीक्वेंसी से। तो इसलिए हम यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो ये कैपेसिटर है 104 मतलब 100 नैनोफैराड की पीएफ कैपेसिटर लगाएंगे। ओके, तो 104। और अगर आपको और ज़्यादा स्मूथनेस चाहिए वोल्टेज में तो आप एक और कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइटिक यूज कर सकते हैं 10 माइक्रोफैराड की। ओके, 10 माइक्रोफैराड। ओके, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी को रोकेगा और ये लो फ्रीक्वेंसी को भी रोक देगा। और दोस्तों हम यहाँ पे वोल्टेज तो रेगुलेशन कर लिए यहाँ पे 3.5 वोल्ट में, कैसे होता है मतलब यहाँ पे ये 2.5 वोल्ट मेंटेन करेगा और ये 2.5 यहाँ पे इस 2.6 को भी 2.5 अगर हम मानते हैं तो ये 2.5 किलो ओम में 2.5 वोल्ट ड्रॉप हुआ है, तो 2.5 + 1 मतलब 3.5 किलो ओम में 3.5 वोल्ट ड्रॉप होगा। ओके, तो 3.5 वोल्ट में ये इस लाइन की वोल्टेज को रेगुलेट कर दिया। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए एक 4007 डायोड लगा हुआ है, इसमें 0.5 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें 3 वोल्ट मिल जाएगा। ओके, तो दोस्तों इसकी इनपुट में हमने 5 वोल्ट दिया था, तो अगर आप 12 वोल्ट या फिर 9 वोल्ट के लिए बनाते हैं तो इस 47 ओम के जगह थोड़ा सा और ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाए, जैसे कि 9 वोल्ट के लिए मैं बता सकता हूँ कि 150 ओम या फिर 12 वोल्ट के लिए 220 ओम आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जो घड़ी थोड़ी देर बाद ऑफ हो जाता है 5-6 सेकंड के बाद, ये स्लीप मोड में चला जाता है बैटरी सेव करने के लिए, तो उसको हमें हैक करना है ताकि ये थोड़ी देर बाद बाद ही ये बटन को प्रेस किया जाए या फिर ये घड़ी को ऑन किया जाए किसी तरह से। ओके, तभी ये हमेशा ऑन रहेगा, मतलब ऑन ऑफ होता रहेगा हर 7-8 सेकंड में, जैसा मेरा इस घड़ी में हो रहा है। ओके, तो ये करने के लिए हमें एक 555 IC की जरूरत है। तो 555 IC फ्रीक्वेंसी जनरेट कर पाता है, आप सभी जानते हैं। तो इस फ्रीक्वेंसी का जो टाइम है उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो 7 सेकंड अंतर अंतर ये इस लाइन को शॉर्ट करे, ओके, स्विच आउट में कुछ आउटपुट दे। ओके, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 8 नंबर और 7 नंबर के बीच 100 किलो ओम की रजिस्टर लगाना पड़ेगा और 7 से 6 के बीच 100 किलो ओम की और एक रजिस्टर लगाना पड़ेगा। ओके, और 6 और 2 नंबर के पिन को शॉर्ट करना होगा, ये मैंने अंदर से ही दिखा दिया इसको, इसको आपको शॉर्ट करना होगा। ओके, और दोस्तों 1 और 2 पिन के बीच 47 माइक्रोफेराड एक कैपेसिटर लगाना होगा। ओके, अब एक पिन में आपका एक नंबर के पिन में ग्राउंड माइनस और जो 8 नंबर के पिन है इसमें प्लस सप्लाई देना होगा, तभी ये आईसी चलेगा। ओके, तो इसका 3 नंबर पिन होता है आउटपुट पिन, तो इस आउटपुट पिन से हमें एक ऐसा अरेंजमेंट करना होगा ताकि ये स्विच को दबाता रहे जब ये इस जो 555 IC का जो 3 नंबर का पिन ये ग्राउंड में आए। ओके, तो ये ग्राउंड में आने से ये स्विच को दबाएगा और जब ये अप रहेगा मतलब इसकी वोल्टेज हाई रहेगी 3 नंबर की पिन, तब ये स्विच को छोड़ देगा। ओके, तो ये क्यों किया, क्योंकि हमें स्विच को बहुत कम टाइम के लिए दबाना है और ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ के रखना है। तो 555 IC में ऐसा कोई फीचर नहीं है कि ये कम टाइम के लिए
ऑन रहे और ज्यादा टाइम के लिए ऑफ रहे। तो इसके लिए हमें इस सिग्नल को इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, सिग्नल को कम टाइम के लिए ऑफ रहे ज्यादा टाइम के लिए ऑन रहे इस तरह का बना दिया, और इस सिग्नल को इन्वर्ट करने के लिए एक पीएनपी ट्रांजिस्टर मैंने लगाया। ओके, तो ये ट्रांजिस्टर BD136 है। इसके जगह आप दूसरा कोई पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं, जैसे BC557 ये भी चलेगा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, किसी भी ट्रांजिस्टर के बेस में एक रेजिस्टर लगाना पड़ता है उसको ड्राइव करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 10 किलो ओम रेजिस्टर लगा दिया, 3 नंबर के पिन और इसके बेस के बीच। ओके, और ये इसका एमिटर पॉजिटिव में कनेक्टेड है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है ये याद रखना, और ये बेस है और ये कलेक्टर है। कलेक्टर से हमारा आउटपुट निकलेगा 4007 एक डायोड के अंदर से। ओके, अब देखिए ये कैसे काम करता है। तो मानिए कि इस 3 नंबर का पिन एक बार ग्राउंड हुआ, मतलब ये वोल्टेज नेगेटिव आया इसमें, तो ये नेगेटिव वोल्टेज आने से पीएनपी ट्रांजिस्टर की बेस में नेगेटिव पाने से ये ऑन होता है। तो नेगेटिव पाने से ये ऑन हो गया 10 किलो ओम रेजिस्टर के अंदर से, और ये ऑन होने से ये इस पॉजिटिव लाइन की वोल्टेज को यहाँ से लाके यहाँ पर आउट करेगा। ओके, और दोस्तों जब ये 3 नंबर की पिन हाई हो जाएगा, मतलब इसमें वोल्टेज हाई आ जाएगी, तब ये जो है इस रजिस्टर के अंदर से ये इस ट्रांजिस्टर को ऑफ कर देगा। ओके, और इसको ऑफ करने की सुविधा के लिए और एक 10 किलो ओम रजिस्टर को पॉजिटिव से बेस के अंदर लगा दिया, पॉजिटिव से बेस के बीच, तो ये इसको ऑफ रखेगा। ओके, ऑफ रखने के लिए इसको लगाइए, पुल अप रजिस्टर की काम कर रहा है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 4007 डायोड मैंने क्यू लगाया, यहाँ से तो डायरेक्ट स्विच आउट हो जाता। अब दोस्तों दिखाते हैं आपको क्यू मैंने इसको लगाया। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में वोल्टेज है 3 वोल्ट और इस लाइन में वोल्टेज है 3.5 वोल्ट। ओके, तो दोस्तों अगर इस ट्रांजिस्टर में 0.2 या 0.3 वोल्ट ड्रॉप हुआ, तो अगर ये रेजिस्टर ये डायोड अगर नहीं रहता तो ये डायरेक्ट 3.2 वोल्ट को यहाँ पर आउट करता। तो जो माइक्रो कंट्रोलर है उसका पावर सप्लाई है 3 वोल्ट और उसका जो लॉजिक सप्लाई है वो 3.2 वोल्ट हो जा रहा है, इसलिए ये गलत काम करेगा ये माइक्रो कंट्रोलर जो इसके अंदर है घड़ी के अंदर। ओके, तो उसको बचाने के लिए हमें इस डायोड को लगाना पड़ा। अगर आप इस डायोड को ना लगाते हैं तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप यहाँ इसकी जो एमिटर पिन यहाँ पे ना लगा के यहाँ पे लगा दीजिए, तो ये 3 वोल्ट से उसको सप्लाई करेगा लॉजिक सप्लाई, तो ये डायोड आपका नहीं चाहिए। ओके, अब दोस्तों इतना सर्किट को तो हम समझ चुके हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाए कि ये स्विच आउट में पॉजिटिव वोल्टेज आने से कैसे ये स्विच काम कर रहा है। तो दोस्तों ये देखिए इस जो घड़ी का डायग्राम है, यहाँ पे 2 पॉइंट मिलेगा आपको स्विच के लिए, तो इन दोनों को शॉर्ट करेंगे तो आपका ये स्विच दबाने की काम होता है। ओके, तो इनमें से आप एक को देखेंगे कि बैटरी की पॉजिटिव से कनेक्टेड है ऑलरेडी, मतलब ये इस बैटरी की पॉजिटिव से ऑलरेडी कनेक्टेड है। ओके, और इस पिन में ये आउटपुट लेता है, तो इस पिन के साथ अगर हम स्विच आउट को लगा देते हैं तभी ये काम हो जाएगा, मतलब इस पिन में पॉजिटिव आने से ही ये सोचेगा कि इसको इस पिन के साथ शॉर्ट किया गया है, क्योंकि इस पिन की वोल्टेज और इस लाइन की वोल्टेज सेम है, तो ऐसे ही ये मेरा स्विच का काम होता है। ओके, अब दोस्तों आप चाहते हैं कि इस घड़ी को जब आप सेट करेंगे, मतलब घड़ी के टाइम की आप जब सेटिंग करेंगे तब आप कैसे करेंगे, क्योंकि आप जब मैन्युअली इस स्विच को प्रेस करेंगे, ये जो स्विच है इसको आप जब मैन्युअली दबाएंगे तब तो आपका ये आईसी भी उसको दबाता रहेगा, तब इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए इस जगह पे हम एक स्विच लगाएंगे इस तरह से, मतलब इस स्विच को आप ऑफ कर देंगे तो ये इस सर्किट से डिस्कनेक्ट हो गया। अब इसमें आप मैन्युअली स्विच लगा सकते हैं, इस स्विच को आप दबा के टाइम सेटिंग कर सकते हैं। ओके, इस मैनुअल स्विच को दबा के आप टाइम सेट कर लीजिए, उसके बाद इस स्विच को आप ऑन कर देना तो ये इस ड्राइवर से चलेगा। ओके, अब दोस्तों ये पूरा सर्किट आपको समझ में आ गया होगा, तो अब आपको दिखाता हूं ये जो कंपोनेंट्स है ये कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है। ओके, अब दोस्तों एक चीज आपको नहीं बताया, जो है इसकी टाइम कीपिंग के लिए जो बैटरी मैंने लगाया, ये वाला बैटरी, इसको कहाँ पे लगाया, तो ये देखिए 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये है ये वाला बैटरी। ओके, तो ये दोनों डायोड का काम ये है कि अगर इस लाइन में वोल्टेज है तो इसको फॉरवर्ड करेगा यहाँ पे, और अगर इसमें वोल्टेज कम है, इसमें वोल्टेज है तो इसको फॉरवर्ड करेगा यहाँ पे। ओके, अब दोस्तों दिखाता हूँ ये जो डायोड, इसका काम एक और है। दोस्तों जब आप इसको इस लाइन से सप्लाई दे रहे हैं, यहाँ पे 3 वोल्ट होता है और यहाँ पे है आपका 1.5 वोल्ट, तो ये इस बैटरी को नहीं खींचेगा, क्योंकि डायोड के इस पर मतलब नेगेटिव साइड में वोल्टेज ज्यादा है और डायोड के पॉजिटिव साइड में वोल्टेज कम है, तो ये डायोड आपका नॉन कंडक्टिव रहेगा, मतलब ये
सर्किट को काट करके रखेगा, तो ये बैटरी हमारा सेफ रहेगा, इसकी चार्ज डिस्चार्ज नहीं होगा। ओके, अब दोस्तों जब इस पॉइंट में वोल्टेज नहीं है, इसको आपने सप्लाई देना बंद कर दिया, तब इस पॉइंट में जीरो वोल्ट है, तो यहाँ पे जीरो वोल्ट हो जा रहा है, तब इसका वोल्टेज 1.5 वोल्ट है, तो ये इसको सप्लाई करेगा वोल्टेज। ओके, अब दोस्तों आपके मन में सवाल आया होगा कि ये 3 वोल्ट की घड़ी 1.5 वोल्ट से कैसे चलता है। दोस्तों इसकी जो LED है, इन सबको चलाने के लिए 3 वोल्ट की जरूरत होता है, लेकिन इसके पीछे जो सर्किट लगाया गया है, ये सर्किट 1.5 वोल्ट में आसानी से चल जाता है। ओके, और दोस्तों इस 1.5 वोल्ट में से पूरा 1.5 वोल्ट यहाँ पे फॉरवर्ड नहीं होता है, क्योंकि इस डायोड में भी थोड़ा सा ड्रॉप होता है, और इस डायोड में ड्रॉप 0.4 वोल्ट के आसपास होता है, क्योंकि इसमें करंट बहुत कम है, 0.3 या 0.4 वोल्ट के आसपास होता है ड्रॉप। ओके, तो दोस्तों इस तरह से ये टाइम कीपिंग चलता रहता है, और पूरा सर्किट को आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगाया गया है। तो ये जो बैटरी है ये है, आपको दिखा दिया, और ये जो डायोड है ये मैंने स्विच के कनेक्शन से लिया, तो ये वाला ये डायोड है, और दोस्तों ये दोनों डायोड जो है, ये दोनों है। ओके, ये दोनों, और दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर है वो यहाँ पे लगा हुआ है इस सर्किट में, ये देखिए ट्रांजिस्टर। ओके, BD136। और दोस्तों ये जो कैपेसिटर है ये है ये वाला 47 माइक्रोफेराड की, ये 555 IC है, आपको दिखा दिया। और ये दोनों रजिस्टर जो है, और ये एडजस्टेबल जो पोटेंशियोमीटर, ये तीनों मिलके ये डिवाइडर बना रहा है 100 के 100 के। ओके, तो ये इसकी जरूरत नहीं है जो घुमाने वाला, इसको मैंने एडजस्ट करने के लिए लगाया था, बाद में देखा कि 100 100 रखेंगे तो अच्छे से काम हो जाता है, तो आपको ये वेरिएबल लगाने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों कुछ रजिस्टर वगैरह है, ये जो 2.6 के रजिस्टर है ये वाला, और ये जो है ये आपका 1 के रजिस्टर है ये वाला। ओके, और TL431 ये वाला है, आपको दिखाया। ओके, ये वाला मॉडल है TL431 का। तो दोस्तों इस तरह से मेरा डिवाइस काम करता है। अब दोस्तों इसको पावर दे के देखते हैं इसका टाइम अभी तक कीपिंग हुआ है या नहीं, बहुत टाइम से ये ऑन ऑफ था। ओके, अब आप इसको ऑन करते हैं, इसका टाइम रहा या नहीं, रीसेट हो गया वो हम देखेंगे। तो इसको ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये सर्किट जब 7 सेकंड बाद पल्स देगा तभी ये ऑन होगा। ओके, तो ये दोस्तों देखिए ऑन हो गया है, और इसका टाइम कीपिंग अभी तक चलता रहा है, मैंने 34 मिनट से रिकॉर्ड। दोस्तों यहाँ पर जो 104 की कैपेसिटर मैंने बताया, उसको मैंने इस सर्किट में डायरेक्ट लगा दिया, इस घड़ी की जो सर्किट है इसमें डायरेक्ट, ये दोस्तों देखिए ये वाला कैपेसिटर, इसको मैंने डायरेक्ट लगा दिया, और ये 10 माइक्रोफेराड को मैंने नहीं लगाया, आप लगा सकते हैं और ज़्यादा स्मूथनेस के लिए। दोस्तों यहाँ पर मैंने जो USB से 5 वोल्ट इनपुट दिया, इसके जगह आप लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं, तो लिथियम बैटरी से जो वोल्टेज आएगा 3.7 वोल्ट, उसमें से ये 3.5 में ये रेगुलेट होगा, और इस तरह की सर्किट जो है पूरा ऐसा ही चलेगा। और दोस्तों इसमें अगर आप लिथियम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो वो बैटरी अगर डाउन हो जाता है, मतलब मान लीजिए 3 वोल्ट हो गया उसका वोल्टेज डाउन होके, तो उसका बैटरी लो हो गया। अब इसमें 3 वोल्ट जब आ गया तो ये 3.5 की रेगुलेटर है, तो इसको ये रेगुलेट नहीं करेगा, डायरेक्ट पास कर देगा वोल्टेज को, तो ये 3 वोल्ट पास हो गया, यहाँ पे 0.5 वोल्ट ड्रॉप हुआ, और यहाँ पे 2.5 वोल्ट आएगा, और 2.5 वोल्ट में ग्रीन LED उतना अच्छे से ग्लो नहीं करता, बहुत थोड़ा थोड़ा से दिखाता है, तो इससे ही आपको पता चल जाएगा कि बैटरी डाउन हो जा रहा है, क्योंकि इसका जो, तो इससे आपको पता चलेगा बैटरी डाउन हो गया है, इसके कारण से LED आपका फेड हो गया, मतलब उसका ब्राइटनेस कम हो गया, तो ये भी आपका इस सर्किट से हो ही जाएगा। तो इसमें आप लिथियम बैटरी भी लगा सकते हैं और 5 वोल्ट की इनपुट भी दे सकते हैं। लिथियम बैटरी अगर लगाते हैं तो उसके लिए चार्जिंग सर्किट अलग से बनाना पड़ेगा, कोई डायोड देके भी चार्जिंग करा सकते हैं, या फिर कोई चार्जिंग के लिए जो बोर्ड आता है TP4056 उसको भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों इसको एक केसिंग के अंदर फिट करेंगे, तो ये जो है इसको मैंने ले आया मार्केट से, इसका दाम है 25 रुपया के आसपास। ओके, अब ये जो एक्रिलिक ग्लास है ये मेरे पास था, तो ये 2 mm का एक्रिलिक है, तो इसको मैंने काटा, तो इसको यहाँ पे अच्छे से फिट कर पाएंगे हम, अच्छे से मेजरमेंट करके काटा, तो इसको काटना बहुत ही इजी है। इस तरीके की एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर लेना है जो बहुत ही शार्प हो, और इसके ऊपर स्क्रैच करवाना है इससे। ओके, तो दोनों साइड से स्क्रैच करेंगे, ऑफकोर्स स्केल का यूज़ करेंगे ताकि हम सीधा सीधा स्क्रैच कर पाए, और उसके बाद हैवी स्क्रैच हो जाने के बाद हम इसको बहुत ही जेंटली बेंड करने की कोशिश करेंगे, और ये अच्छे से टूट जाएगा मेरा स्क्रैच किया हुआ लाइन में। ओके, अब इसके साइड साइड में जो होल करेंगे इसके लिए भी ड्रिल नहीं चाहिए, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, इसके ऊपर आप स्क्रू ड्राइवर से भी छेद कर सकते हैं, और इसके छेद की बोरिंग को ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम कांची का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरा चीज़ से आप ऐसा कर सकते हैं, उसके बाद स्क्रू आपका अच्छे से फिट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, हो गया।
अब दोस्तों इसके ऊपर की जो लेयर्स है ये प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है ताकि स्क्रैच ना हो इसके ऊपर, और इन लेयर्स को हटा देंगे तो ये काफ़ी क्लियर बन जाएगा, बहुत ही अच्छा दिखेगा, पूरा असली कांच के तरह, कोई भी स्क्रैच नहीं है इसके ऊपर। ये देखिए ये कितना क्लियर दिख रहा है। तो ये देखिए मेरा जो मेजरमेंट्स है ये सही है, इसके ऊपर ये घड़ी फिट हो जाएगा अच्छे से। और ये 542 जो ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि मैंने गलत टाइम पे इसका बटन को प्रेस कर दिया था, तो ये आईसी का टाइम और 555 आईसी का जो ड्राइवर सर्किट है उसका टाइम और इसका टाइम बिगड़ गया। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आपका आता है, आप इसको सोल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो 555 के साथ 200 किलो ओम के रजिस्टर लगाया, उन दोनों से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो आप वेरिएबल लगा के घुमा घुमा के देखिए। और दोस्तों इसके साइड साइड में हम बेजल लगाएंगे ताकि हम अंदर की जो सर्किटरी है वो ना दिखे बाहर से, और ये बेजल लगाने से बहुत अच्छा भी दिखेगा। तो इसके लिए हम ब्लैक टेप का यूज करके एक स्क्वायर बना दिया। अब यहाँ पे जो छेद कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ एक चार्जर पिन इंस्टॉल करने के लिए, माइक्रो यूएसबी पिन मैं इंस्टॉल करूँगा यहाँ पर, ये वाला। तो ये देखिए मेरा घड़ी ऑन हो चुका है और ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और इसके साइड में इस जगह पर हम सर्किट को इंस्टॉल किए और जो बैटरी है उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया साइड में, और इसका जो स्विच है उसको नीचे लगा दिया ताकि हम बाहर से एडजस्ट कर सकें इसको बाद में। और ये जो प्रोटेक्टिव जो ग्लास है इसको हम इसके ऊपर लगा देंगे और स्क्रू को टाइट कर देंगे, तो ये मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट बनाने में मेरा खर्चा आया बहुत ही कम, तो इसमें मेरा खर्चा हुआ, अगर घड़ी का प्राइस छोड़ देते हैं, वो घड़ी मेरे पास पड़ा हुआ था, तो इसमें 50 रुपये से भी कम खर्चा आया है। और अगर आप घड़ी का प्राइस को देखेंगे तो लगभग 120 140 इस तरह का खर्चा आया है। तो आर्डिनो से काफ़ी अच्छा है, आर्डिनो से बनाएंगे तो आपका 700-800 रुपये के आसपास खर्चा आ जाएगा, क्योंकि आपको आर्डिनो चाहिए, आरटीसी मॉड्यूल चाहिए, उसके साथ डिस्प्ले के लिए कुछ जुगाड़ चाहिए, जैसे कि मैट्रिक्स डिस्प्ले हो या इस तरह का कुछ, तो इसमें बहुत सारा खर्चा आ जाता है। तो ये कम खर्चा में सस्ता सुविधा देसी जुगाड़ है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना। और दोस्तों ये जो घड़ी है ये 1.5 वोल्ट में 3 दिन चलाया इसको, उसके बाद भी 1 मिनट का भी टाइम की फ़र्क नहीं आया। तो ये देखिए 9:25 इसमें बज रहा है और मेरा हाथ घड़ी में भी 9:25 बज रहा है, मतलब ये 1.5 वोल्ट में जो टाइम कीपिंग हो रहा है ये बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, नो प्रॉब्लम इसमें, मतलब वो जो बोर्ड है वो 1.5 वोल्ट को सपोर्ट कर गया। अब दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना। अगर इस तरह के DIY इनोवेटिव आइडियाज़ आपको पसंद है तो मेरे चैनल का वीडियोज़ को विजिट कर सकते हैं। अगर दोस्तों वो सब वीडियो पसंद आ जाता है तो उसके बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करके कमेंट में बताना आपका क्या राय है इसके बारे में। दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट।